जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर आश्रयानी का सपना देखने वाले खरीदार पैसे जमा करने के बावजूद मकानों की रजिस्ट्री नहीं करा पाते हैं, लेकिन अब नोएडा अथॉरिटी ने खरीदारों को बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि 50,000 से ज्यादा खरीदारों को राहत देने के लिए औद्योगिक, संस्थागत, व्यावसायिक और ग्रुप हाउसिंग का बकाया किश्तों में चुकाने का मौका दिया गया है। वहीं नोएडा प्राधिकरण के 3 महीने के लिए लाई जा रही पुनर्निर्धारण योजना के प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नोएडा की 206वीं बोर्ड बैठक में 18 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 7 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। नोएडा प्राधिकरण के 206वीं बोर्ड बैठक चेयरमैन अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ग्रेटर नोएडा और यमुना विहार प्राधिकरण के सीईओ ऑनलाइन जुड़े थे। बैठक में औद्योगिक, संस्थागत, व्यावसायिक और ग्रुप हाउसिंग के बकायेदार आवंटियों के लिए पुनर्निर्धारण की सुविधा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2022 तक के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पुनर्निर्धारण की दिशा में 20% राशि 30 दिनों के अंदर जमा करनी होगी और बाकी 80% पैसा निर्धारित किश्तों में जमा करना होगा। अगर बिल्डर पैसा जमा करते हैं तो नोएडा में फ्लैटों की रजिस्ट्री की आस लगाए बैठे 50,000 खरीदारों को इसका फायदा होगा। वहीं बोर्ड बैठक में जिन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, उसमें नोएडा प्राधिकरण में समूह के खाली पदों को भरने के लिए 1 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त 44 कार्मिक रखे जाने का प्रस्ताव है। इनका चयन कार्यदक्षता और गुणदोष के आधार पर किया जाएगा। औद्योगिक, ग्रुप हाउसिंग एवं आवासीय भूखंडों की योजना से संबंधित हुए बदलाव के बाद नए सिरे से तैयार हुए ब्रोशर को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही बोर्ड बैठक में न्यू नोएडा में गौतम बुद्ध नगर के 20 और बुलंदशहर के 7 ग्रामों को शामिल करते हुए एक मास्टर प्लान 2041 का एक ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण बोर्ड ने CTCP से सुझाव लेकर उसमें शामिल किया गया है और अब शहर के लोगों को आपत्ति लेकर इस प्रस्ताव को आगामी बोर्ड में प्रस्तुत करेगी।